हेलो गाइस, टेक्निकल काफे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक 1 HP पावर कंपनी का टुलू पंप की वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम आपको वाइंडिंग करके भी दिखाएंगे किस तरह से टुलू पंप वाइंडिंग किया जाता है। तो ये हमारा वीडियो का पहला पार्ट है दोस्तों। दूसरी पार्ट हम आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप दूसरी पार्ट देख लेना। उसमें हम कनेक्शन और स्टार्टिंग कॉइल वाइंडिंग दिखाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको रनिंग कॉइल की वाइंडिंग दिखाएंगे और पूरी डाटा बताएंगे। इस वीडियो का आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहना, तभी आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं। आप देख सकते हैं ये सब हमारा पंप है, टुलू पंप। ठीक है, तो इसकी पूरी जानकारी, पूरी डाटा हम आपको देंगे। इसका जो वाइंडिंग डाटा है वो भी दे देंगे। सबसे पहले हम इसमें जो फिल्म पेपर है वो डाल लेते हैं। इसकी जो स्लॉट है उसके अंदर डालूँगा। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम इस फिल्म पेपर को काट के पहले से रखे थे, ये हम इसमें डाल देंगे। आप इस तरह से यू शेप में इसको डाल लेना। हम फटाफट से डाल देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने ये वाइंडिंग डाटा है। आपको मैं इस डाटा की पूरी डिटेल्स अच्छी तरह से समझा देता हूँ, आप अच्छी तरह से समझ लेना। तो देखिए, ये हमने पहले से लिख के रखा है आपके लिए। तो है स्टार्टिंग कॉइल का डाटा। ठीक है, स्टार्टिंग यानी ऊपर में जो होती है कॉपर वायर का डाटा है। देखिए, 1 से 8 स्लॉट पर ये वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग कॉइल, और इसका ट्रांस होगी 50। ठीक है, 50 टर्न्स हम इस पर देंगे। और 1 से 10 स्लॉट पे जो कॉइल आएगी उसमें हम देंगे 112, 1 से 12 पाक इस पर देंगे। उसके बाद 1 से 12 स्लॉट पे जो आएगी उसमें हम देंगे सेम 112 टर्न्स। इसका SWG होगा, वेयर गेज होगा 27, यानी 27 नंबर इसका वेयर गेज होगा। यही स्टार्टिंग कॉइल का डाटा। ठीक है, और इसकी जो वेयर का जो वेट होगा वो होगा 225 ग्राम। ठीक है, ये हमारा ऊपर में जो कॉइल बैठेगी स्टार्टिंग कॉइल उसका डाटा है, अच्छी तरह से आप नोट कर लेना। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं 1 HP मोटर का डाटा है, 1 HP मोटर पंप का डाटा है। इसके बाद आती है हमारा दोस्तों ये रनिंग कॉइल। रनिंग कॉइल का जो डाटा है ये भी कॉपर वायर से ही वाइंडिंग होगी। तो सबसे पहले छोटा कॉइल जो होगा 1 से 6 स्लॉट, उसका टर्न्स होगी 40, यानी 40 टर्न्स हम इसमें देंगे। उसके बाद आती है 2 नंबर कॉइल 1 से 8, उसमें हम देंगे 81 टर्न्स। उसके बाद 1 से 10 स्लॉट पे उसमें भी सेम टर्न्स देंगे 81 टर्न्स। तरपर इसमें देंगे 1, देखिए सबसे बड़ा कॉइल पे सेम टर्न्स होगी। इसका SWG रहेगी 24, यानी 26 नंबर इसका SWG रहेगी कॉपर वायर। ठीक है, और इसकी जो वेट होगी वायर का वो होगी 425 ग्राम, इसका कॉपर वायर का वेट टोटल। और इसका जो कोर साइज होगा दोस्तों, लंबाई में मोटर का जो कोर है स्लॉट कोर साइज होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोर का जो लंबाई है वो होगी 5 सेंटीमीटर। और इसका जो स्लॉट होगी दोस्तों मोटर का वो होगी 24। ठीक है, इसका स्लॉट होगा 24 स्लॉट। दोस्तों, अब हम सबसे पहले इसकी कॉइल करके देखेंगे,
फिर बाइंडिंग करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कॉइल कैसे बनाते हैं। तो इधर पे देखिए, हमने कॉइल का जो है माप ले लेंगे, इस तरह से एक वायर लेंगे, फिर हम जितने स्लॉट पे हमारा वाइंडिंग होगी, सबसे छोटा कॉइल का माप लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से माप कर लिया, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। जितने स्लॉट पे हमारा वाइंडिंग होगा, सबसे छोटा कॉइल उसका माप ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। 1 से 6 स्लॉट यानी मिडिल पे हम 4 स्लॉट छोड़ देंगे। इसके बाद इसको इस फरमे से सेट कर लेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से मार्किंग भी कर देंगे ताकि हमारा जो कॉइल है वो सिम सिम रहे। इसके बाद इसको हम आपको दिखाने के लिए इसको काट दिया, इसके साइज़ कितना है आपको टेप की मदद से नाप के दिखा देंगे, इसकी गोलाई साइज़ कितना है। हमने इसको काट दिया, इसको आपको लंबाई साइज़ बताएंगे, फिर आप उसको गोलाई में कर लेना, और आप चाहे तो खुद भी माप करके साइज निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको अगर अगर माप कर लेंगे तो ये 10 इंच का आसपास आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए 10 इंच का आसपास है। इस तरह से हम माप कर सकते हैं आप कॉइल का। आइए दोस्तों, अब हम इस पे कॉइल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रनिंग जो कॉइल है वो बनाएंगे, रनिंग कॉइल। तो ये छोटा जो सबसे छोटा कॉइल होगा, इस 1 नंबर कॉइल से हम स्टार्ट करेंगे। छोटा कॉइल का हम 1 नंबर का कॉइल कहेंगे। तो इसका जो टर्न्स होगी दोस्तों, वो होगी 40 टर्न्स। इस पे हम 40 टर्न देंगे सबसे छोटा कॉइल पर, यह है रनिंग कॉइल, ठीक है। तो ये हमारा 40 टर्न्स हो गया। इसके बाद हम इसको इस तरह से बांध लेते हैं, आप धागे की मदद से भी बांध सकते हैं, हम इसको वायर की मदद से बांध दिया। इसके बाद ये 2 नंबर कॉइल बनाएंगे। तो देखिए ऊपर में जो 1 नंबर स्लॉट है वहीं रहेगी, और नीचे में 2 नंबर स्लॉट पे ये वायर चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम इसको कॉइल बनाएंगे। अगर हम इसके जो है दो नंबर पर कॉइल बनाते हैं तो कॉइल ज़्यादा बड़ा हो जाएगी, इसलिए हम इसको ये ऊपर में 1 नंबर और नीचे में 2 नंबर स्लॉट पे इस तरह से कॉइल बना रहे ताकि कॉइल का साइज ठीक रहे। तो इसका टर्न्स होगी दोस्तों 81 टर्न्स, और इसको भी हमको माइंड कर दिया। इसके बाद आ जाएगी हमारा ये 3 नंबर कॉइल। ये देखिए ऊपर में हम 2 नंबर स्लॉट है और नीचे 3 नंबर स्लॉट पे जाएगी। ये देखिए इसका टर्न्स सेम रहेगी दोस्तों 81, इस पे हम 81 टर्न्स देंगे। इस तरह से आप इसको घुमा घुमा के कॉइल बना सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से कॉइल बन जाती है दोस्तों। तो हमारा ये 3 नंबर कॉइल भी हो गया। अब हम 4 नंबर कॉइल बनाएंगे। तो ऊपर में 3 नंबर स्लॉट पे रहेगी और नीचे जो 4 स्लॉट है उसमें जाएगी इस तरह से। ये देखिए इसमें भी हम सेम टर्न्स देंगे 40, सॉरी दोस्तों 81, यानी 81 टर्न्स इसमें देंगे। इस तरह से हम कॉइल बना लेंगे। ये हमारा कॉइल पूरी बन के तैयार हो गई। ये देखिए टोटल हमारा 4 कॉइल बन गया। तो इस तरह से आपको और एक सेट बनाना होगा, ठीक है। रनिंग कॉइल का 2 सेट होगी और स्टार्टिंग कॉइल का 2 सेट होगी। तो हमारा रनिंग कॉइल का 1 सेट हो गया, और एक इस तरह से और एक सेट बनाना होगा रनिंग कॉइल का। तो हमने आपको एक सेट बना के दिखा दिया, और एक सेट हमने पहले से ही बना के रखे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने इसको बना डाला, इस कॉइल को आप भी इसी तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर कॉइल अच्छी तरह से आप बनाएंगे तो फिर आपको वाइंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम आपको स्टार्टिंग कॉइल कैसे बनाते हैं वो दिखाएंगे, फिर वाइंडिंग करना भी दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम स्टार्टिंग कॉइल का जो साइज है वो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए स्टार्टिंग कॉइल का जो साइज है आप देख सकते हैं, ये 27 सेंटीमीटर के आसपास है। इसको हम सेंटीमीटर पर नापा, ये 27 का सेंटीमीटर है। 27 सेंटीमीटर को हम इस तरह से गोलाई करके इस फॉर्म में से साइज कर लेंगे गोलाई में।
तो अब हम स्टार्टिंग कॉइल को बना रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग कॉइल सबसे छोटा कॉइल है, इसका टर्न्स होगी दोस्तों 50। अब दो नंबर कॉइल बनाएंगे, ये देख सकते हैं दो नंबर कॉइल का जो टर्न्स होगी दोस्तों वो होगा 112 टर्न्स इसमें देंगे हम, 112 टर्न्स इस पर देंगे। ये भी हो गया हमारा दूसरा कॉइल। सेम प्रोसेस पे हम कॉइल बनाएंगे जैसे रनिंग कॉइल बनाया था, लेकिन इसका सिर्फ 3 कॉइल होगी। ये सबसे बड़ा कॉइल है 3 नंबर का, इसमें भी सेम टर्न्स हम देंगे, यानी 112 टर्न्स इस पे देंगे, 112 टर्न इस पे देंगे। और इसका SWG तो हमको हमने पहले से ही बता दिया डायग्राम पे, तो फटाफट से हम ये कॉइल बना लेते हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल बन के तैयार हो गया। देखिए इसमें टोटल 3 कॉइल है, इस तरह से हमको और एक सेट बना लेना होगा स्टार्टिंग कॉइल का। ठीक है, ये देखिए इसका सिर्फ 3 कॉइल होगी। ये देखिए ये हमारा दो सेट, ये है स्टार्टिंग कॉइल दो सेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग कॉइल हो गया हमारा दो सेट, और ये हो गया रनिंग कॉइल दो सेट। ठीक है, इसमें 4 कॉइल है और उसमें 3 कॉइल है, इस तरह से हम बना लेंगे। तो अब हम वाइंडिंग के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये देखिए वाइंडिंग करेंगे हम यहाँ पे, सबसे रनिंग कॉइल को पहले लेंगे, रनिंग कॉइल से हम स्टार्ट करेंगे। इसका जो छोटा कॉइल है उसको सबसे पहले डालेंगे, जो छोटा कॉइल आएगी, और इसका दोस्तों जो इनर वायर रहेगी सबसे छोटा कॉइल का इनर, वो हमारा लेफ्ट साइड में रहेगी और राइट साइड में उसकी आउटर वायर रहेगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, हम सबसे छोटा कॉइल से वाइंडिंग शुरू करेंगे। आप कैसी स्लॉट, कोई भी स्लॉट से आप वाइंडिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, आपकी जो इनर वायर है जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं छोटा कॉइल का, उसका हम लेफ्ट साइड में रख देंगे उसकी लीड को, और इसकी आउटर वायर रहेगी हम राइट साइड पे, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका वाइंडिंग करना बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आप एक बार इस वाइंडिंग सीख जाते हैं फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से आप इस वायर को स्लॉट के अंदर डाल लीजिए, फिर फिल्म पेपर डालिए और अच्छी तरह से साइज कर लीजिए। साइज करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारा दूसरा कॉइल जो है वो आसानी से इसकी साइड में बैठ सके। तब दोनों तरफ को अच्छी तरह से साइज कर लेना कॉइल को। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसको शेप में डाल दिया, इस तरह से आपको शेप कर लेना होगा कॉइल को। इसके बाद हम दो नंबर कॉइल डालेंगे, ये ले लेते हैं हम दो नंबर कॉइल। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से मैं आपको एक बार बता दूंगा, इसको जब हम दूसरी कॉइल डालेंगे तब हमें ध्यान रखना होगा इसकी जो सीरीज वायर आती है दो एक नंबर कॉइल से दूसरी कॉइल को, तो हमें ये राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आती है। ठीक है, और जो आउटर वायर है वो हमारा राइट साइड पर रहेगी, और ये देखिए इस तरह से वायर हमारा आएगी दोनों उसकी बाजू वाला स्लॉट पर। ठीक है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ हमारा जो सीरीज वायर है वो आएगी, ये आपको ध्यान रखना होगा वाइंडिंग के समय, वो ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर सीरीज कनेक्शन भूल हो जाती है तो फिर आपकी पूरी वाइंडिंग बर्बाद हो जाएगी। ये सीरीज कनेक्शन आपको बहुत ही ध्यान रखने का चीज़ है, वो ध्यान रखना होगा। और देखिए इसको हम वाइंडिंग करेंगे 1 से 8 स्लॉट पर, ये हमारा हो गया, इसकी बाजू वाला स्लॉट पे हम डाल दिया। अब इस पर हम फिल्म पेपर डाल देंगे, फिल्म का साइज है दोस्तों 7 mm, इस तरह से हम इसको फिल्म डाल देंगे। फिल्म डालना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारा जो वायर है वो बाहर नहीं आ सके, नहीं तो जो रोटर है वो उस पे कनेक्शन होके शॉर्ट हो जाएगी, फिर हमारा वाइंडिंग जल जाएगी। और बॉडी से टच नहीं होना चाहिए वायर को कहीं से भी, बहुत ही सेफ्टी की तरह से आपको इस वायर को डालना होगा। अब हम दूसरी साइड इसको डालेंगे,
दूसरी साइड डाल लेते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके वायर डालिए, एक साथ में सभी वायर अंदर नहीं जाएगी, आपको थोड़ा थोड़ा करके वायर लेना होगा, इसके अंदर डालना होगा। ठीक है, ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा करके वायर लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं, कुछ इस तरह से हम इसको डाल देंगे। अगर आप एक बार ये सीख जाते हैं फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से आप इसको वाइंडिंग कर सकते हैं। और दोस्तों और एक चीज़ आपको बता दूंगा, आप जब इसको वाइंडिंग करेंगे तब आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जिधर से हम वाइंडिंग का जो लूप निकलते हैं तो उसमें एक बॉडी का छेद होती है, हमारा जो लूप है वो लीड निकालने के लिए बॉडी पे एक छेद होती है, तो जिधर पे जो छेद रहेगी हम उधर से वो लीड निकालेंगे। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, यानी जिधर से हमारा पहले से लीड निकल के निकाला था उधर ही हमको लीड निकालना पड़ेगा, दूसरी साइड हम लीड नहीं निकाल सकते। ये देखिए हमारा राइट साइड पे एक छेद है, जिधर पे छेद रहेगी उधर पे ही हमको लीड छोड़ना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा दूसरा कॉइल दोस्तों डाल के तैयार हो गया, हम सामने के हिस्से में साइज कर लिया, आप पिछले के हिस्से में भी साइज कर लेते हैं इस तरह से। दोस्तों साइज करना बहुत ही ज़रूरी है, इस तरह से आप साइज कर लीजिए हाथों की मदद से। तो हमारा दोस्तों एक और दो नंबर कॉइल डाल के बिल्कुल तैयार हो गया। ठीक है, अब हम तीन नंबर कॉइल डालेंगे इसमें, इसमें भी सेम प्रोसेस है दोस्तों, इसकी जो सीरीज वायर आती है दो नंबर से तीन नंबर कॉइल पर, तो वो भी हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ आएगी। ये देखिए ये वाला स्लॉट पे हम डालेंगे, ये दोनों स्लॉट पे इस तरह से आएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका जो रिज़ल्ट है दोस्तों, इस वाइंडिंग के डाटा का जो रिज़ल्ट है ये बहुत ही अच्छा डाटा है दोस्तों, ये कंपनी का वाइंडिंग का डाटा है। इस डाटा पे आप 100% श्योर हो सकते हैं, ये बिल्कुल कंपनी का ही डाटा है। तो ये देखिए हमने पहला हिस्सा डाल दिया, अब इसमें फिल्म डाल देते हैं, आप दूसरे हिस्सा डालेंगे इधर से राइट साइड पे। राइट साइड पे हम वो डालेंगे ये दूसरी साइड, उससे पहले इस लॉक को खोल लेते हैं और यहाँ पे हम इसको डाल देंगे एक साथ में। दोस्तों ज़्यादा वायर नहीं अंदर जाएगी, हमको थोड़ा थोड़ा करके वायर ही लेना होगा और इसके अंदर डालना होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम इस वायर को डालेंगे, इसकी बाजू में जो स्लॉट आएगी उसमें इस तरह से डाल। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके वायर लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारा ये तीन नंबर कॉइल भी डाल के तैयार हो गया, उसके बाद हम इसको साइज कर लेते हैं हाथों की मदद से इस तरह से। और इसके बाद आएगी हमारा चौथा नंबर का दोस्तों कॉइल, वो डाल देंगे, जो सबसे बड़ा कॉइल है चौथा नंबर कॉइल वो डालेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा कॉइल है, अब इसको डाल देंगे, इसकी बाजू में जो स्लॉट आएगी उसमें ही डालेंगे कुछ इस तरह से, साइज कर लेते हैं, उसके बाद इसको लॉक के खोल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपको यह डालना होगा, एक साथ में ज़्यादा नहीं जाएगी अंदर। ये देखिए सीरीज वायर राइट से लेफ्ट की तरफ आती है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये गलती नहीं होना चाहिए। और इसका जो आउटर वायर है दोस्तों वो हमारा राइट हैंड की तरफ रहेगी आउटर वायर, और इसका जो इनर वायर है वो लेफ्ट की तरफ रहेगी। ठीक है, ये हमने डाल दिया, फिल्म पेपर भी डाल दिया, अब इसका जो दूसरा हिस्सा है वो भी डालेंगे उसकी दूसरी साइड पे, दूसरी साइड पे हम दूसरे हिस्से डाल देंगे, उसकी बाजू में जो स्लॉट आएगी यहाँ पे वह उधर पे हम दूसरे हिस्सा डाल देंगे। आप अच्छी तरह से इसको देख लेना और समझ लेना। और दोस्तों इसको वीडियो का अगर आपको अच्छा लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर तो ज़रूर करना दोस्तों,
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और अगर कोई भी आपको डाटा चाहिए तो हमको कमेंट करके बताना, हम उसमें आपको लिए डाटा बताएंगे और वीडियो भी बना देंगे। तो हमारा ये दूसरा कॉयल भी डाल के तैयार हो गया, दूसरा हिस्सा। अब हम इसमें साइज कर लेंगे अच्छी तरह से। साइज करने के बाद इस तरह से शेप में ले लेंगे दोनों तरफ। अब इसको अच्छी तरह से साइज कर लेना होगा। ये देखिए हमने साइज कर लिया इस तरह से। तो देखिए इसका दो लीड निकल के आ गया, एक इनर वायर और एक आउटर वायर। ठीक है, अब हम दूसरी सेट इसमें डालेंगे। हमारा पहला सेट डाल के तैयार हो गया, अब दूसरे सेट हम इस पे डाल देंगे। ये हमारा दूसरी सेट है, इसका भी सबसे जो छोटा कॉइल है उसको ले लेंगे। छोटा कॉइल लेने के बाद उसको हम डाल देंगे। देखिए यहाँ पे जहाँ पे हम कॉइल ख़त्म होती है पहला कॉइल का बड़ा कॉइल, उधर से शुरू करेंगे इसका दूसरा सेट। कुछ इस तरह से हम इसको, ये देखिए इसका इनर वायर वो हमारा लेफ्ट की तरफ रहेगी, और इसका जो आउटर वायर है वो हमारा राइट साइड में रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक दो और तीन स्लॉट छोड़ देंगे, और चौथी स्लॉट पे ये छोटा कॉइल डालेंगे। ये छोटा कॉइल यहाँ पे हम डाल देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, जब हम छोटा कॉइल डालेंगे तो उसकी लेफ्ट हैंड की तरफ 3 स्लॉट छोड़ देंगे। तो फटाफट से हम इसको वाइंडिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा आप धैर्य रख के देख लेना।
का दोनों कॉइल बन के तैयार हो गया है। देख सकते हैं आप, इसका चार लीड निकल के आती है, दो बड़ा कॉइल का, दो छोटा कॉइल का। तो जो बड़ा कॉइल का आती है दोस्तों दो सेट की, उसको हम ले लेंगे यहाँ से और इस तरह से इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा हो गया सीरीज कनेक्शन, ठीक है। जो राइट हैंड की तरफ आएगी दो कॉइल का, उसको हम इस तरह से शॉर्ट कर देंगे, बड़ा कॉइल का बड़ा कॉइल से शॉर्ट कर देंगे। और जो छोटा कॉइल है वो लीड हमारा रह जाएगी करंट के लिए, ठीक है। ये दो लीड हमारा छोटा कॉइल का रह जाएगी। दोस्तों ये है हमारा पहला पार्ट है। दूसरी पार्ट हम लेके आएंगे, उसमें आपको स्टार्टिंग कॉइल डालना दिखाएंगे और कनेक्शन भी दिखाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और दूसरी वीडियो जरूर देखना दोस्तों, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।